हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन की। कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं बाय विच वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या है, डेप्रिसिएशन के जो रेट होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, और उसकी जो बेसिक एंट्रीज वगैरह होती है जी जनरल एंट्रीज वो हम देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग से। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence. This decrease is measured as depreciation. Simple language में समझते हैं तो suppose आपने bike ली 1 lakh rupees की, अब 5 साल बाद अभी उसको resell करने जाओगे तो obviously है आपको 1 lakh पूरे पूरे तो मिलने नहीं वाले, कुछ ना कुछ वैल्यू तो कम होगी। suppose 5 साल के बाद आपको 70,000 आ रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, तो जो डिफरेंस रहा 1 lakh माइनस 70,000 30,000 का जो डिफरेंस रहा वो आपके लिए लॉस है या एक्सपेंस है, या आप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। तो मेनली डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट्स पर ही लगता है एक्सेप्ट लैंड, ज़मीन पर हम डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करते। कभी कभार आपको इंटरव्यू में भी मतलब पूछा जाएगा कि भाई लैंड पर डेप्रिसिएशन काउंट होता है या नहीं, तो आपको नहीं बोलना है क्योंकि लैंड पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। और इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट्स हम अमोर्टाइजेशन काउंट करते हैं, उसका कंसेप्ट अलग होता है, फिलहाल हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो मीनिंग समझ लिया, अब हम कौन से मेथड्स है उसकी वेरियस वो देखते हैं। एज यू कैन सी टोटल 8 अलग अलग मेथड्स है, उसमें से जो पहली दो है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू, वही हम मेनली यूज़ करते हैं, और उसमें भी मतलब WDV जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वही हम प्रैक्टिकल यूज़ में लेते हैं मेनली। तो मीनिंग समझते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इज़ अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू डिडक्ट इक्वल अमाउंट ओवर द यूजफुल ईयर्स। एक एग्जांपल मतलब आपको देता हूँ मैं। सपोज़ हमने मशीनरी ली 1 lakh रुपीस की और हमने चाहा कि भाई इस पर 10% हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। क्या वैल्यू आई? 10,000 रुपये। 1 lakh रुपीस के 10% 10,000 होता है, तो ये जो 10,000 आया तो हम सब ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में तो हमने 10,000 डिडक्ट किया। अब उसकी बुक वैल्यू हो गई मशीन की 90,000, सेकेंड ईयर में भी हम 10,000 ही डिडक्ट करेंगे, थर्ड ईयर में भी हम 10,000 ही डिडक्ट करेंगे, जब तक उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। अब 1 lakh का मतलब मशीन है और 10,000 हम डिडक्ट करते एवरी ईयर, तो यू कैन कैलकुलेट मतलब 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें हम जो भी वैल्यू होती है परचेज वैल्यू होती है 1 lakh, उस पर ही हम मेनली हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। फॉर्मूला है उसका, परचेज प्राइस ऑफ असेट माइनस अप्रोक्सीमेट सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। हमने मशीनरी परचेज की थी 1 lakh रुपीज़ में, सालवेज वैल्यू मतलब हम अप्रोक्सीमेट रिसेल वैल्यू क्या होगी उसकी, सपोज हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो होगी। 1 lakh माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 lakh डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। हम असेट यूज़ करेंगे 10 सालों के लिए, तो 1 lakh डिवाइडेड बाय 10 विल गेट 9,000 जो हमने डेप्रिसिएशन काउंट किया अभी। अब देखते हैं एक एग्जांपल है उसका, एलिमिनेटेड बाय अ कार ऑफ 1 lakh एंड डिसाइडेड यूजफुल लाइफ ऑफ द कार इज 10 ईयर। नाउ एवरी ईयर ही विल डिडक्ट 10,000, सो एट द एंड ऑफ 10th ईयर वैल्यू ऑफ कार विल बिकम ज़ीरो। Here rate of depreciation is 10,000, 1 lakh divided by 10,000 करेंगे तो 10% आएगा। Here the rate of depreciation is 10%। तो उम्मीद है आप समझ गए होगे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, समझने में भी इजी है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू देखते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज अ डेप्रिसिएशन टेक्निक डेट अप्लाइज अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू द नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स each year, thereby recognizing more depreciation expense in earlier of the life of asset
एंड लेस डेप्रिसिएशन इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ असेट्स। मैं एक जो एग्जांपल दिया था आपको मशीनरी का, WDV में फ़र्क क्या है आप देखिए। परचेज प्राइस है मशीन की 1,00,000 रुपीज़। अब हमने डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज किया 10% हमने चार्ज किया, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया 10,000 रुपीज़। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू हो गई अब 90,000। 1,00,000 - 10,000 करेंगे तो 90,000 उसकी बुक वैल्यू हो गई फॉर द नेक्स्ट ईयर, फाइन। अब हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे 90,000 पे। SLM में हम जब भी काउंट करते हैं तो परचेस प्राइस जो 1,00,000 थी उस पर काउंट करते हैं, और इन केस ऑफ WDV जो बुक वैल्यू होगी, प्रेजेंट बुक वैल्यू, करंट ईयर्स बुक वैल्यू, उस पर काउंट करेंगे। तो सेकंड ईयर की बुक वैल्यू है 90,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10,000, तो आएंगे 9,000 रुपये। तो 90,000 - 9,000 जो भी रहेगा 81,000 मतलब रहेगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो अब थर्ड ईयर के लिए मतलब बुक वैल्यू हो गई अपनी 81,000। अब जब भी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 81,000 पर करेंगे, जो कि आएगा 8,100। और हम जब डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 7,290। ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 7,290। ये जो 7,290 है वो फोर्थ ईयर की बुक वैल्यू है, और जब भी हम मतलब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो 7,290 पर काउंट करेंगे तो 7,290 आएगा। इसी डिडक्ट करते जाएंगे फ्रॉम द करंट ईयर्स बुक वैल्यू, और उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैलवेज वैल्यू ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। आप समझ गए होंगे, ये एग्जांपल मैंने जो आपको दिखाया है, लिमिटेड बाय अ कार ऑफ 1,00,000 एंड डिसाइडेड डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ कार विल बिकम 90,000, 1,00,000 - 10% ऑफ 1,00,000, दैट इज बुक वैल्यू। नाउ बुक वैल्यू ऑफ कार इज 90,000, सो आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर द वैल्यू ऑफ कार विल बिकम 81,000, 90,000 - 10% ऑफ बुक वैल्यू, दैट इज 9,000। सिमिलरली आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर बुक वैल्यू विल बी कम 72,900 एंड सोन। जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो हम देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट क्रेडिट। जो डेप्रिसिएशन होगा मतलब उसकी दो इम्पैक्ट कहाँ आएगी, एक आएगी P&L अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरी आएगी जो भी उसकी रिस्पेक्टिव असेट्स है उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट। अब बात करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सपोज 1,00,000 की मशीनरी ली और आफ्टर द एंड ऑफ सेवन ईयर मतलब 7 साल के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 30,000 इस पर 10% हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, तो इस पर SLM मेथड है। तो जो डेप्रिसिएशन मतलब 7 साल में हमने जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया है वो है 70,000। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसको ही हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मीनिंग देखिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर असेट सिंस द असेट वॉज यूज। मतलब जब हम असेट को यूज़ में लाए तब से करंट ईयर तक जो भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है उसका टोटल माने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और आप सोचेंगे कि भाई ये जो रेट है डेप्रिसिएशन के वो कौन डिसाइड करता है, तो उसमें मेनली इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें स्पेसिफाई किए हैं अलग अलग टेंजिबल असेट के अलग अलग रेट्स, और सिमिलरली कंपनीज एक्ट में भी अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP का केस आता है तो हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज करते हैं, और इन केस ऑफ कंपनी हम दोनों मतलब एज पर IT एक्ट एज वेल एज कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ कंपनी मतलब वो थोड़ा डीप कंसेप्ट है कि कैसे हम दोनों को दो अलग अलग P&L अकाउंट बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो हम फिर कभी देखेंगे डीप में। तो अब
समझते हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ आपको, तो मैंने अभी बताया कि इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसमें जो परसेंटेज मतलब उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि भाई बिल्डिंग पर 10% लेने का, फर्नीचर और फिटिंग्स पर 10% लेने का, बुक्स पर आप इतने ले सकते हैं, कंप्यूटर पर इतने परसेंटेज ले सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज मतलब एक कैटेगरी हो गई फिक्स एसेट की, मतलब टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी हो गई। अब जो ये जो परसेंटेज है 10%, अब 10% डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज होगा, उसमें कौन से असेट फॉल होते हैं, मतलब कौन से असेट उसमें आते हैं, वो एक ब्लॉक हो गया। मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन रेट ऑन बिल्डिंग इज 10% एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग इज 10%, सो देर इज़ अ ब्लॉक ऑफ 10%। ये 10% का एक ब्लॉक हो गया जिसमें मतलब बिल्डिंग भी आ गई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी आ गए, और जो भी मतलब 10% का डेप्रिसिएशन जिसको मतलब अप्लाई होगा जिस असेट्स पर, वो सब आ जाएंगे। सिमिलरली 15% में जो भी अप्लाई होगा वो एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। सिमिलरली 20% जिस पर भी मतलब अप्लाई होगा जिस असेट्स पर, वो एक अलग ब्लॉक हो जाएगा। और एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ, सपोज कि मशीनरी हमने ली 1 लाख रुपीज़ की, आफ्टर द एंड ऑफ 8 ईयर उसकी वैल्यू मतलब रह गई है 20,000, और हम असेट अपनी सोल्ड करना चाहते हैं, तो हम अकाउंटिंग एंट्री कैसी रहेगी इसकी? सपोज़ हमारी बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ 8 ईयर 20,000 है, और हम 20,000 में असेट सोल्ड करते हैं, मतलब असेट सोल्ड करते हैं, तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में मशीन लिया था, तो मशीन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000। सपोज़ हमने मशीनरी 25,000 में बेची, मतलब 5,000 का हमें बेनिफिट हुआ क्योंकि बुक वैल्यू है 20,000 और हमने रिसेल किया है मशीन को 25,000 में, तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट आया ये, तो इसकी मतलब जेवी क्या होगी वो मैं आपको बोल देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 5,000। सपोज़ कि हमने मशीन मतलब रीसेल किया 15,000 में और मशीन की करंट बुक वैल्यू है 20,000, मतलब 5,000 का हमने लॉस करके उसको सेल किया है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 में हमने सेल किया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 20,000। और आई होप आपके मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट हो गए डेप्रिसिएशन के वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, और कोई भी मतलब इसके रिलेटेड हो या कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।